बंदे दे निगाह भाई देखे तो उन्हें कहा सामने कोई शह पई है कपड़े नजर आ रहे। कोलंबा का 5 साल मोहम्मद उस्मान भी बना इंसानी हवस का निशाना। सफाक दरिंदे ने मासूम जान को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके फेंक दिया। खुद को मासूम जाहिर करने वाला सफाक कातिल कैसे बदलता रहा अपने बयान। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए ये सबको जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन 7 जून का ये अफसोसनाक वाकया है। इस वक्त हम कोलंबा में मौजूद हैं और उस्मान 5 साल जिस बच्चे की उम्र है अपने घर में मौजूद था। सुबह 10 बजे वो अपने घर से बाहर निकला जहां से उसको अगवा किया गया, उसको ले जाया गया और उसके बाद जब घर वालों को पता चला, घर वाले उसे ढूंढते रहे, उसके बाद उस बच्चे की इसी इलाके से इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर यहीं से उस बच्चे की लाश मिलती है जिस पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। आप मुझे अजमल साहब बताएंगे थोड़ा इस हवाले से, घर में था बच्चा, किस टाइम निकला था और आप लोगों ने कब उस बच्चे की तलाश शुरू की? जी बच्चा जो है वो सुबह के टाइम घर पे था। बच्चे का वालिद आया है उनको लेने के लिए, उन्होंने नाश्ता इकट्ठे किया है और बच्चा जो है तकरीबन 9 बजे के करीब जो है ना वो घर से निकला है। अच्छा, सुबह 9 बजे घर से निकला है। हाँ, तो वो गया है बाहर। लॉकडाउन के दिन थे, यहाँ सारी शॉप जो है वो मोहल्ले की बंद थी। वो चीज़ लेने के सिलसिले में जो है ना एक हमारे मोहल्ले के यानी मस्जिद वाली गली में एक औरत है, उसकी दुकान अक्सर खुली रहती थी। वो बच्चा जो है ना वहाँ पहुँच गया। तो ये जो मुलज़िम है इसका घर का वो एक रास्ता है, वो उसने वहाँ उस शॉप पे देखा और उसे जो है ना वहाँ से उसने कैच किया है बच्चे को। अच्छा, वहाँ से वो उठा कर ले गया है, उसे वर्गलाया है उसने, कैसे वो लेकर गया? वो बच्चे के पास 200 रुपया देखा, नशा ही था वो। अच्छा, तो उसने फौरी बच्चे से जो है ना 200 रुपया छीन लिए, बच्चा उसके पीछे पीछे चल पड़ा है। सही। तो आगे जाके ना बच्चा जो है वो जिद करने लगा कि आपने पैसे नहीं दिए तो मैं जाके मामू को बताता हूँ। तो फिर उसने उसे इशारा किया कि आओ मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सही। तो जब वो बच्चा आगे आया तो उसने फौरी जनाब बच्चे को पकड़ा है और साथ ही एक घर है उसके पीछे वो फसल के अंदर उसने वो बच्चे का गला दबा दिया। मान नामी बच्चा जिसे ना सिर्फ कत्ल किया जाता है, उससे पहले उससे ज्यादती भी की जाती है और उसके बाद उसका मर्डर करके फेंक दिया जाता है। सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये है कि 7 जून ये तो तकरीबन जो है 10-1 बजे बच्चा जो है वो गुम होता है। दोपहर के वक्त वालदैन जो है उसको ढूंढते हैं और बच्चे की जो डेड बॉडी है वो मिलती है कब्रिस्तान से जाके बोरी के अंदर। बच्चे पे तशद्दुद भी किया जाता है, बच्चे के ऊपर जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम के जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उस पर यह था कि बच्चे के साथ ज्यादती भी की गई है और ज्यादती करने के बाद जो है वो बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, जिसमें बच्चे के पेट पे निशान थे, उसकी आँख पे निशान था चोट का। और उसके अलावा ये भी इब्तदाई रिपोर्ट में आ रहा था कि जो है बच्चे को शॉर्ट सर्किट भी दिए गए हैं। इस वाकये के बाद ये शख्स साथ घूमता रहा है, इसको भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया था लेकिन उस वक्त ये ब्रेक नहीं हुआ। कैसे पहुंची है पुलिस इस तक? पुलिस ने जिन लोगों पे शुभात थे उनके डीएनए के लिए करवाया, चूँकि कोरोना की वजह से कुछ लेबॉरेटरीज का मसला था, इस वजह से ये केस थोड़ा सा डिले होता चला गया। इस मुलजम का इस वजह से वालदैन को भी शक नहीं हुआ क्योंकि ये उनकी दुकान पर आता जाता था, काम शाम करता था। बच्चे ने असल में इसको पहचान लिया था, बच्चे से इसने 200 रुपया छीना है, नशे की ये आधी मुजरम है और ये पहले भी बच्चों के साथ ज्यादतियाँ करता है। इसने चुबारे के ऊपर जो है वो अपने एक परिंदों का बनाया हुआ है खुड्डा वगैरह, तो वहाँ से जो है ये बच्चों को ले जाता है वर्गला के कि मैं आपको ये देता हूँ और वहाँ बच्चों के साथ बदफेली करता है। चाहे इसको जानता था वो पैसे लेने के, उसको कहता है कि मैं पैसे देता हूँ, तो उसके साथ साथ वो बच्चा जो है वो चला गया। तो फिर जो है इसने बच्चे को बदफेली की है, बदफेली करने के बाद बच्चे को मारा है तशद्दुद करके, बोरी में डाल के मारा किसी और जगह पे है और फिर इसको बोरी में डाला है, बोरी में डाल के इसने साथ ही कब्रिस्तान है वह कब्रिस्तान पे दीवार के ऊपर से फेंका है। तो
नाज़रीन, DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं पूछना चाहूँगा इस केस के हवाले से, 7 जून का ये इंसिडेंट है, 3 से 4 माह लगे मुलजिम को ट्रेस करने में, क्या चीज़ें सामने आईं? आप मौके पर भी पहुँचे थे, एक अंधा कत्ल था और अटैम्प्ट भी की गई थी उसके साथ, ज़्यादती करने की कोशिश की गई या ज़्यादती हुई, इस तरह की क्या चीज़ें सामने आई हैं? हाँ जी, ये बच्चे 6 साल का बच्चा था, उस्मान इसका नाम था। ये वैसे तो रहने वाले टोबा के हैं, ये अपने नाना के घर आया हुआ था, अपने मामू के घर, तो वहाँ से ये अपने मामू से कुछ पैसे लेके ये बाहर गया, फिर ये तकरीबन 3 बजे उसके बाद ये वापस नहीं आया। वो इसको तलाश करते रहे, फिर इसकी डेड बॉडी मिली है 6:30 बजे के करीब शाम के टाइम, कब्रिस्तान से उनके घर से कुछ दूर है, तो वहाँ पर उस वक्त जब हम मौके पर पहुँचे तो स्ट्रेंगुलेटेड थी, मतलब उस पर किसी ने ऐसे तशद्दुद भी किया हुआ था और उसको स्ट्रेंगुलेट भी किया हुआ था। फिर हमने पोस्टमार्टम वगैरह कराया, ब्लाइंड मर्डर था। रेप जो था वो उस वक्त डॉक्टर ने रूल आउट किया था, अटैम्प्ट ज़रूर हुई है, क्योंकि कहते हैं कि रेप उस तरह से मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फॉरेंसिक करवाएं हमने, वो फॉरेंसिक्स लेबॉरेटरी भी आई हुई थी, वो जो हमने सारा DNA वगैरह भी करवा लिया था। उसके बाद हम तलाश करते रहे मुलज़िम और कोई उस तरह से हमें सिरा नहीं नज़र आ रहा था। गली में मैं मौजूद हूँ, यहीं पर उस्मान, 5 साल का उस्मान मौजूद था। सुबह 9:30 बजे वो अपने घर से, अपने मामू के घर से, जो मेरे पीछे मौजूद है, इस घर से निकला था और सामने ही दुकान है, यहाँ पर मौजूद था और यहाँ से वो अपने दूसरे मामू के घर जा रहा था जो कि बिल्कुल सामने है। यही जगह है जहाँ से उस्मान को उठाया था, या उस्मान आगे गया था? उससे निकला था, वो कोरोना था, कोरोना की वजह से ये सारी दुकानें बंद थी। अच्छा, ये वाली दुकान भी बंद थी? हाँ जी, ये 3-4 दुकानें हैं, फिर आगे थोड़ा सा है एक मस्जिद के साथ, यहाँ से गली जाती है, वहाँ एक औरत की दुकान है, उसने बोला भाई, समझा कि शायद वो दुकान खुली होगी, वो फिर उस साइड पे गया, जब उस साइड पे गया, ये उसी रास्ते, वो रास्ता गुजरता है उसके घर से, वो फहीम नाम का जो आदमी है, सही, उसने उस बच्चे को याद देखा ना, तो उसके पास 200 रुपया उसने देखा और बच्चे को बुलाया और बच्चे से 200 रुपया छीन लिया। दुकानें भी बंद थी, यहाँ पर लोग भी मौजूद नहीं थे? हाँ, सख्ती बहुत थी। किसी ने ये नहीं देखा कि बच्चा कहाँ जा रहा है? किसी ने नहीं देखा। आप पूरा दिन ढूंढते रहे हैं बच्चे को, बच्चा नहीं मिला, तो किसी ने बताया नहीं? जैसे रेडी वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, ये कोरोना की वजह से ये दुकानें बंद थी, रेडी वाले नहीं थे। फहीम जो मुलजिम है आपके साथ काम करता था? हाँ जी, मेरे साथ काम। क्या काम करता था? ये मजदूरी है, ये हम इमारत बनाते हैं, वो मेरे साथ काम करते, उनका ऐसा मुंडा था बहुत सोना, इको 100 से आजाद है, वो मेरे साथ उस मुंडे ना प्यार करना शुरू कर सकता, उन्होंने कहते मैं शाम मेरे को तोते ला कबूतर में देना, वो रोज नाल आवे, मैं दसिया बिजनेस में कहते साथ नंग भेजो, ये बहुत गंदा जिया, वो 2-3 बारी थे आया जी, एक बार मैं रो के वापस चला गया, मैं उन्होंने आख्या उन्होंने दस बच्चों की गल कर शक जोड़ा है वो मुलूम होता बच्चे सू दस दिता। अच्छा जी, हाँ, वो जो काम करे वो बच्चे न्याज नजर करता है, जो काम करते बच्चे न्याज कर। आपने, आपको पता चला कि पहले भी वो इस तरह की हरकतें करता है? जी हाँ, शिकायत की आपने? हाँ जी। कभी कोई शिकायत नहीं की पुलिस में, या आपने उसे मना नहीं किया, उसे रोका नहीं, उसे झिड़का नहीं? 2-3 दफा आया मैंने, कि मैंने पैसे दियो, मेरा नशा खत्म हो गया, मैं सुबह तुम्हारे साथ काम चल जाऊंगा जी। मैं आखने चल आखने जी, मैं उन 100 दिता, एक मोड आ गया जी, मैं उन अद्धा लिया, मैंने पूरा दे सवेरे तेरे साथ काम ले जाऊंगा जी। वो मैं आखिर मैं दस के लिए पैसे ला गया, मेरे को नहीं आया, उस आके जो चला गया काम दे जी। सही जी, मैं मोड 2-3 वो मेरे नजर नहीं आया, मेरे को काम दे नहीं गया जी। हाँ जी, जैसे काम करता इतने 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 बच्चा लाया इजू ला जाता गुस्तान चावल गया, तो उधर रोंदा सी बड़ा, आखिर बड़ा अफसोस है, बच्चे ने वेख तो मैं रोन लगा, मैं इन्होंने कहा मैं कहीं शक पाँगा, यू शक पकड़ लो। आपको पहले शक था कि ये शक हो सकता है? ये रोंदा ने बार बार बड़ा अफसोस करता है, वो मैं असा उधर ना लिखवा लिया भाई, सानू ये रोंदा ने क्यों रोंदा जी, की तकलीफ? सफाकी देखें उस शख्स की, के कत्ल करने के बाद, वारदात करने के बाद वो शख्स इन लोगों के साथ फिरता रहा है और रोने में सबसे आगे था, सबसे ज्यादा रो रहा था, यही बता रहे हैं। सारे रोने ज्यादा रोवे जी, उस्तान जैसे चाण गया ना जी वेखण वास्ते, उस लाभ से असा पहले फिर आ रहा, मैं आखिर ना चाहो, फिर इन मुंडा मामू से इन्हें कह मामू चाह लेने
मैं करना चाहो फिर चाहे कोशिश की लै के आया ना 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 जिम्मे ना लिया ना ना लगा है जी इतने लेंदे फिर पुलिस इलाज कर इतना कट्ठ हो गया जी इतने बैठे रहा नहीं उत्तर मजमा कट्ठ हो गया जी उत्तर फिर आस पास रोवन लग गया भाई बड़ा अफसोस है गुस्तान रोंदा बड़ा अफसोस है या बच्चे का ये वो ये सो ना लैन बच्चे का अफसोस है मैं उसको शक है मैं क्या बच्चे एकदम जो सबसे ज्यादा रो रहा है हाँ ये की लैन देना सक्का है ना कोई गल है ना कोई बात है ये रोन की मतलब है हाँ क्या उम्र है तुम्हारी 30-32 साल अच्छा ये क्या वाकया हुआ था उस्मान को कब से जानते हो बच्चे को तुम पहले नहीं जानते जी हमने देखा भी नहीं उसे सर अच्छा उस दिन क्या वाकया हुआ था मुझे पूरा तफसील के साथ बताओ एक एक बात बताओ कहाँ से उसे लिया था वो कहाँ पर था बाजार में किस जगह था और कहाँ लेकर गए थे उसे कैसे मारा था उसे सर मैंने तो उसे देखा भी नहीं मैंने कहा जी मैं ना उसे लेके गया हूँ जी तुम्हारा डीएनए कैसे आ गया मैच मेडिकल कैसे मैच आ गया सर पता नहीं जी उन्होंने तुमने अपना बयान दिया है उस वक्त बयान दिया जिसमें तुमने ये कहा है कि मैंने किया ये सब कुछ मैंने उसे मारा और अब तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया डीएनए तुम्हारा कैसे आ सकता है मेडिकल तुम्हारा कैसे आ सकता है मुझे ये बताओ इतनी बात कर दो बस कैसे आ गया वो ये उन्होंने कुछ अरबों लोगों में से एक बंदे का भी डीएनए एक जैसा नहीं होता ये वो शख्स है इसे बड़े आराम से हमने पूछने की कोशिश की है इसकी शक्ल देखें ये वही शख्स है जिसने उस मासूम बच्चे से मार दिया उसे कत्ल कर दिया उसके बाद ये शख्स वहाँ से फरार हो गया पुलिस ढूंढती रही 4-5 माह लगे इस शख्स को ढूंढने में ट्रेस करने में अब इस शख्स का डीएनए भी आ चुका है मेडिकल भी आ चुका है लेकिन अब ये सफाक आदमी यहाँ पर खड़े हुए यही कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया जबकि तमाम चीज़ें तमाम एविडेंस तमाम सबूत इस वक्त पुलिस के पास हैं और ये शख्स फिर भी ये झूठ पर झूठ बोल रहा है कि ये सफाक हरकत मैंने नहीं की उधर मोहल्ले में उनके रिश्तेदारों से लड़ाई हुई थी ये पता नहीं जी किधर रहता पता ही नहीं है तुम्हें कि किधर रहता था हाँ जी सब कुछ बदल रहा है अब जो इसका डीएनए वो भी हो चुका है इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ चुकी ऐसे ही लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून साजी जल्द अज जल्द होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके तो इसको कब्रिस्तान ले गया उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश की है बच्चे से रेप की बच्चे ने कहा जी मैं अब जाके अपने मामू को बताता हूँ इसने बच्चे का सर मारा दीवार में जो उसका सर भी पिचका हुआ था जब वारदात करने के बाद वो शख्स इन लोगों के साथ फिरता रहा है हाँ जी। और रोने में सबसे आगे था आप कहाँ थे उस वक्त जब ये वाकया हुआ है और आपने कहाँ कहाँ तलाश किया है बच्चे को अपने उस तो पहले ना 7-8 दिन हो गए सी उधर सी ईद तो ईद के नाल कोरोना वायरस दियां बच्चियां नूं छुट्टियां तो मैं ना 7-8 दिन पहले इन्होंने इतने 10 दिन पहले छड़ गया अच्छा 10 दिन से यही मामू के घर यही मामू के घर थे मैं वापस चला गया यानी कि मैं अकेला बाकी सारे भी बच्चे इतने उन्होंने कहना मामू मैं आज घर जाना वा मैंने 200 रुपया दे तू मैंने कहा कि तेन मैं जिदन घर गया तेन जुत्ती मैं नवी लैके दूँ अच्छा उन्हें देता उन्हें बीवी मेरी हाँ जी उसने दे दिए मामू के बेटे ने कर दिया ये बिलाल वापस आया वा बिलाल वापस दुध बेच के घर आया तो इन्हें दसिया कहिंदा आंटी असमान कित्थे गया भी उन्हें मैं पैसे दिते आ उन्हें कहा भी असमान उधर अपने अबू वाल होना वा बीवी मेरी इत्थे बैठी सी मैं उधर बैठा सी उन्हें कहा भी वो होना उधर अपने अबू वाल मैंने कहिंदा चाचू समान कित्थे मैं कहा उधर माल ही होना वा मेरे वाल तो नहीं आया कहिंदा उधर भी है नहीं इधर भी है नहीं अब बेच ना घर ये तकरीबन मैं 9 बजे आए हाँ 9:30 की गल 9:30 अद्धा घंटा मैं बैठा वा ते उस ले ना यानी के उधर वो भी आ गया तो उन्हें 10 बजे आपने उस बच्चे की तलाश शुरू कर दी हाँ जी तकरीबन 10 बजे बच्चे की तलाश है ना उस घर में आप लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया हाँ कहाँ कहाँ तलाश किया था कहाँ कहाँ गए थे आप पहले वो सारे घर देखे आ जड़े अपने रिश्तेदार सी अगे करके दो घर से उधर सारे देखे इधर घर से सारे रिश्तेदार देखे कोई ना कोई खबर नहीं मिली कोई खबर नहीं मिली नहीं पता चला कि बच्चा गया कहाँ हाँ जी किसी को ये नहीं पता था दुकानें हैं लोग बैठे हुए हैं जो है गांव देहातों में तो इसी तरह से होता है कि अगर किसी का बच्चा हो तो सबको पता होता है पता किसका होता बच्चा है कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है किससे मिल रहा है तो उसके जाते हुए किसी ने नहीं देखा था किसी ने आपको नहीं बताया किसी ने नहीं बताया और वो खातून जिसकी दुकान है उसकी दुकान पर गया था बच्चा उनको भी नहीं पता
वो भी बंद थी उसे गली दे कि गया ना बच्चा तो उधर वो होंदा सी उन्हें को पैसे यानी कि खोला जिस तरह तकरीबन 3 माह लगे उस मुलजिम तक पहुंचने में। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा ऐसे जो साहब मौजूद हैं हमारे साथ सर मुझे बताएंगे थोड़ा इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई थी, आपको इब्तदाई रिपोर्ट पहले पुलिस को क्या दी गई, उसके बाद पुलिस ने किस तरह से वर्कआउट शुरू किया, किस तरह से पहुंची है पुलिस मुलजिम तक? मुलजिम को ट्रेस करने के लिए हर तमाम DPO साहब के हुक्म से तमाम जो वसाइल थे वो इस्तेमाल किए गए और इसी के बाद इसी ये मुलजिम फहीम है जो ट्रेस हुआ बाद में इसके खिलाफ एक और बदफेरी का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें इसको गिरफ्तार करके इंटरोगेट किया गया जिसमें इसने उस्मान नामी इस बच्चे को कत्ल करने का इतराफ़ किया जिसके तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके इनको गिरफ्तार करके उसको चलान अदालत किया गया है ताकि ये अपने अंजाम को पहुंचे और लोगों को इबरत हासिल हो। क्या क्या प्रूफ सामने आ चुके हैं इस वक्त पुलिस के? इसके खिलाफ जो इसका DNA वो भी हो चुका है, इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, फॉरेंसिक लैब की तमाम रिपोर्टें वो भी आ चुकी हैं, वो सारी मुलजम इसके ख़िलाफ़ हैं और इसके ख़िलाफ़ बड़ी ठोस शवाहद के साथ केस अदालत में सबमिट किया गया। तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तमाम जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो तमाम सामने आ चुके हैं, लेकिन मुलजिम उसकी सफाकी देखें कि इस वक्त भी वो इनकार कर रहा है। इससे पहले पुलिस को जो उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें वो कन्फेस कर चुका है, वो ये तमाम चीज़ें तमाम हकायक सामने ला चुका है और वो आलाए कत्ल जो कि एक तार थी उसने वो भी दिखाई, वो भी बताई और वो भी पुलिस को ला कर दी। दो तीन माह तक वो इंसान जो कि कातिल है वो भी आप लोगों के साथ फिरता रहा है, पुलिस स्टेशन भी गया है, तमाम चीज़ें आपके साथ ऐसे ही फिरता रहा है जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं है, आप लोगों को कोई शक नहीं किया उसके ऊपर? ये जिस वक्त पुलिस वालों ने हमें कहा कि आप शक के बिना पहले आए ना, जिन पे आपको शक शुबात हैं उनको आप बताएँ, हम उनसे जो है ना उन्हें गिरफ्तार करके उनसे इंटरोगेशन करते हैं, तो उस वक्त SHO साहब में ये हमारे पास ईदगाह है उसमें बैठे हुए थे, मीटिंग थी, तो SHO साहब को फ़ोन आया है उनके एक करिंदे को कि जी वो फहीम जो है वो इस वक्त घर पे मौजूद है। अच्छा, तो वो फौरी गए हैं और उन्होंने उसको गिरफ्तार करके इसी मस्जिद में ले गए, तो इसने जनाब अली उस वक्त नहीं माना, किसी किस्म का कोई इंकशाफ नहीं हुआ कि ये इसने ये कातिल है। तो फिर पुलिस वालों ने कहा जी इनको ज़्यादा दिन हो गए हैं, 22 दिन हमने रखा है इसको, तो लिहाजा हमारे ऊपर जो है ना बड़ी सख्ती है आजकल, तो किसी वक्त भी कोई छापा कोई अफसराने वाला आ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप इनसे गारंटेड ले लें और इनको छोड़ दें। तो इसका भाई है जी मोहम्मद शकील, वो दो दोस्तों को लेके आया जी थाना में, उसने कहा जी मैं इसका गारंटेड हूँ, तो SHO साहब ने कहा ठीक है, उसने स्टाम्प लिख के दिया, SHO साहब ने उनके उनसे ID कार्ड की कापियाँ ले ली और उसको रिहा कर दिया। ये इसके तकरीबन 3 महीने बाद अगस्त में इसने एक बच्चे को जो उसके घर के करीब दूसरी गली में मौजूद था उसको ले आया है कि आओ मेरे साथ, मैंने तोते रखे हुए हैं छत पे और कबूतर भी हैं, मैं आपको तोते देता हूँ। वो बच्चा जो है ना इसके पीछे पीछे चला गया घर, जब वो छत के ऊपर गया तो उसने उसे तोतो दिखाए, सारे परिंदे दिखा के उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। वो बच्चा वहाँ से भागा है, नीचे उतर के जा रहा था, आगे उसका वालिद आ रहा था उसको ढूंढते हुए कि बच्चा नमाज के लिए गया, ये हमारी मस्जिद तो करीब है, ये कहाँ चला गया, तो वो रोता हुआ अपने वालिद से चिपक गया और उसने कहा जी मेरे साथ उस बंदे ने ज्यादती की है। वहाँ से पुलिस को इत्तला दी गई और उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आई कि असल मुल्ज़िम कौन है, यानी कि वो आदि मुजरिम है और पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है। बंदा कत्ल हो गया और ये वाकया भी हुआ उस बच्चे के साथ, अटेम्प्ट भी की गई, लेकिन कहाँ जाकर सिरा मिला इसका? हमें पहले तो हमने हर एंगल से तफ्तीश की, कोई इनकी कुछ ज़ाती नाद हमने का देख लें, कोई हो सकता है कोई मोहल्ले में कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी को खटकती हो, तो उन्होंने मासूम बच्चे से बदला ले लिया हो,
वो भी हमने काफ़ी सारे लोग हमने शामिल तफ्तीश किए, लोगों को पकड़ा भी, कुछ तफ्तीश भी की, लेकिन कोई हमें चीज़ सामने ना आई। फिर कुछ 3-4 महीने बाद एक दिन एक बच्चा अपने वालिद के साथ वो थाने आया। उसने कहा जी मैं फलाने फलाने इस तरह से, मुझे एक बंदा है उसने अपने घर बुलाया, उसने कहा वो मैं तुम्हें परिंदे दिखाता हूँ, और वहाँ पर गए तो उसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। तो वो हमारा जो समझदार तफ्तीशी था, वो थानेदार साहब इंस्पेक्टर, वो साथ गया। जब ऊपर गया तो उस पर चबूतरे में जब उसने जाके देखा तो उसने बड़े खूबसूरत जानवर परिंदे रखे हुए थे उसने, और वो माहौल कुछ माहौल उसने अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो नीचे से बच्चों को यही कह के लाता था गए वो उसका जो मुलज़म है उसका नाम फ़हीम है, वो फ़हीम नीचे से यही बच्चों को अट्रैक्ट करके लेकर आता था कि वो मैं ऊपर जाके आपको जानवर दिखाता हूँ, परिंदे दिखाता हूँ। ऊपर वो ले जाना उसने, वो वहाँ पे अपना चारपाई भी डाली हुई थी उसने, उस बच्चे के साथ भी उसने जब वहाँ पे इसको परिंदे दिखाए तो उसने चारपाई के ऊपर लिटा के ज्यादती करने की कोशिश की, बाकायदा कंप्लेंट की गई, बाकायदा कंप्लेंट की दरख्वास्त दी, जिस पे FIR भी हुई। और फिर हमने जब रेड किया और हमने ये पकड़ा, तो फिर ये हमें इस तरह का ये एक करेक्टर लगा जिससे हमने कहा कि इससे मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो शादीशुदा नहीं है, जो नशे का आदी है, जो अकेला रहता है, रहना पसंद करता है, फिर वो बच्चों को ल्योर इन करके ऊपर ले जाता है, तो ये एक टिपिकल करेक्टर था जो हमें फील हुआ कि ये जो जुराम पेशा जेन के लोग होते हैं उस तरह का एक करेक्टर हमें लगा। फिर जब इसकी तफ्तीश हमने शुरू की, और ज़ाहिर हमारे पास मंजर में ये वाक़ा तो था बच्चे का, क्योंकि ये भी उसी वसीनिटी का वाक़ा, ये भी उधर ही साथ रहता है, ये बच्चे को जानता भी था, बच्चे के मामू को, उनके नाना को, सबको ये जानता था। तो जब हमने इसकी तफ्तीश की तो फिर इसने ये कन्फेस कर लिया। हाँ देखें डिठाई की ये शख्स जो है कहता है कि मैंने उस बच्चे को देखा भी नहीं, जबकि तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। यही शख्स अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है, लेकिन इस शख्स ने यही किया है कि ये अपनी तमाम बातों से बदल रहा है, इनकार कर रहा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डाटा, ये तमाम रिकॉर्ड पुलिस की तहवील में है। जिस तरह से इसने ये एक्ट किया, जिस तरह से ये फेल किया, और मेडिकल रिपोर्ट यही बता रही है कि इसी शख्स ने ये हरकत की, उसके अलावा DNA की रिपोर्ट भी ये साबित कर चुकी है, ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अपने बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं नहीं है बच्चे। शादी नहीं हुई तुम्हारी? नहीं सर। तो यही काम करते हो और बच्चों के साथ भी? नहीं जी। कितने बच्चों के साथ किया है अब तक ये काम तुमने? किसी के साथ नहीं जी। तो इसके साथ क्यों किया? नहीं मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया सर। बच्चे जो होते हैं वो सांझे होते हैं सबके, जाहिर सी बात है मोहल्ले के बच्चे हैं तो हर किसी को पता होता है कोई निकला है, कोई कहाँ जा रहा है, तो किसी ने नहीं देखा कि बच्चा किधर जा रहा है, किसी ने नहीं पूछा कि वो शख्स फ़हीम नामी शख्स उसे लेकर क्यों जा रहा है या उससे वो क्या करना चाहता है, इस तरह की चीज़ें कोई सामने नहीं आई जी। बस देखिए ना, इंसान के अंदर एक हैवान मौजूद है, तो जब हैवान सामने आता है या शैतानियत सामने आती है, फिर इंसान को क्या नज़र आता है। उसने बड़ा दरिंदगी वाला अमल किया है, तो हमारी तो अहले इलाका की, हमारा बल्कि अपना बच्चा भाई था, तो हमारी अहले इलाका की, अहले तुलंबा की, बल्कि पूरी मुसलमानियत की ये हुकूमत वक्त से अपील है पुरजोर कि ऐसे शफाक शख्स को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, जो निशानी इबरत बनना चाहिए सबके सामने। तो ये मेरी मासूम बच्चे के साथ उसने ये नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है, और उस शख्स का इस इलाके में, इस मोहल्ले में पहले क्या रिकॉर्ड रहा है? नशे ही पहले इस तरह की कोई हरकत करते हुए कभी पकड़ा गया, कभी उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई? चोरी वोरी वाले मामला हाँ, पहले ही एक बच्चे को उठाने की कोशिश, हाँ कोशिश की थी, और रपट भी उसने थाने में दर्ज करवाई थी। वो हर वक्त बच्चों के ताड़ में रहता है। सही, मतलब मुलजिम है और आदि मुलजिम है, और इस तरह के शफाक मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उधर मोहल्ले में उनके रिश्तेदारों से लड़ाई हुई थी, ये पता नहीं जी किधर रहता था। पता ही नहीं है तुम्हें कि किधर रहता था? हाँ जी। सब कुछ बदल रहा है। अब जो इसका DNA वो भी हो चुका है, इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है।
बच्चा तो वो जिसने रिपोर्ट किया आकर, और एक उस्मान जिसके साथ इसने ज्यादती करने की कोशिश की और उसने रेजिस्ट किया तो उसने उसे मार दिया। उसके अलावा भी कोई और बच्चे सामने आए? हमने काफ़ी इस पर कोशिश की कि कोई और, क्योंकि मोबाइल तो ये यूज़ नहीं करता, इसके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल यूज़र नहीं है, मोबाइल यूज़र नहीं है, एक सिम थी लेकिन वो 3 महीने से बंद थी, तो मोबाइल उस तरह से ये यूज़ नहीं करता था, फ्रीक्वेंट मोबाइल यूज़र नहीं था, जो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लें वो पॉसिबल नहीं था। हमने मसाजिद में वैसे ऐलान करवाए थे कि हमने कहा किसी और को भी कोई इस तरह की कोई किसी बच्चे ने आके कोई शिकायत घर में लगाई हो, और ये मेरा कभी यकीन है कि यकीनी तौर पे और भी इसने कोई ना कोई इस तरह की हरकत की होगी, लेकिन या किसी बच्चे ने, डर गए होते हैं बच्चे, बस वो बच्चे होते हैं डर खौफ से, घर नहीं भी बताते, या अगर घर बता देते हैं तो फिर वालदैन आके पुलिस को नहीं बताते। मारने की वजह लगती क्या है? अगर उसका मोटिव था उसके साथ रेप करना तो मारा क्यों, कत्ल? वाकई वजह मैंने आपको जो है वो बिल्कुल आपको बताता हूँ। जब ये इसको लेके गया बच्चे को वहाँ पे, तो ये इसे अपने परिंदे दिखाने के बहाने लेके गया, तो ये इसको कब्रिस्तान ले गया, उसके बाद वहाँ पे जाके इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है बच्चे से रेप की, तो बच्चा चूँकि इसको जानता था और बच्चे ने कहा जी मैं अब जाके अपने मामू को बताता हूँ, तो जब बच्चे ने ये कहा तो ये फिर इसने फौरी तौर पर बच्चे को पकड़ के, उसका जो उसने हमने जो तफ्तीश की उसने पकड़ के कब्रिस्तान में, एक दीवार है वहाँ पे फ्रेश बनी हुई सीमेंट की, उसने बच्चे का सर मारा दीवार ने, जो उसका सर भी पिचका हुआ था जब हमने वो डेड बॉडी जब देखी, तो वो बच्चे की सडन डेथ होगी मौके पे। उसके बाद इसने वैसे अपना अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करने के लिए इसने फिर गर्दन भी उसको स्ट्रेंगुलेट भी किया उसको। जो सूरत हाल है वो शख्स मानने से इनकारी है कि उसने ये वारदात रचाई है, उसने ये वारदात की है, उसने ये जुल्म ढाया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बात ये है कि जब तफ्तीश हुई पुलिस के सामने उसने इकबाल जुर्म किया, फिर SHO साहब ने हमें इतला देने से पहले उससे पूछा भाई आपने किस रास्ते से उसको कैच किया, किस जगह से, कहाँ उसे मारा, किस तरीके से कब्रिस्तान तक पहुँचाया, कैसे? उसने सारी वही SHO ने कहा जो जो रास्ता तूने इख्तियार किया है उस रास्ते पे लेके जाओ। जुमे का दिन था, ये तकरीबन 2:30 बजे ये मूवी जो SHO साहब ने बनाई है वो बनी है 2:30 बजे, 2:30 से 3 3:30 तक उसने वो सारा करके दिखाया, उसने सारा करके दिखाया, कत्ल है वो, तार है वो भी बरामद करके दी बिल्कुल। उसने ये भी इकबाल जुर्म किया है कि ये कलर भी उसका ब्लैक था तार का, जब पुलिस वालों ने उसे वहां से तार बरामद करके दिखाई तो उसने कहा हाँ जी ये तार है। ਕਵੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਭਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਗਏ 5-7 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਗਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ ਥੱਲਿਓਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। जिस तरह से आपने तमाम लोगों को बताया, हाँ जी, तमाम हाँ लोग ढूंढ रहे थे और हाँ वो लोग जब वापस आ रहे थे कब्रिस्तान हाँ से, तब उनकी निगाह पड़ी है हाँ जी, बच्चे को देखा है। देख के ना कब्रिस्तान के बीच आ रहा थी ना, लेकिन कब्रां दे विच ही सी ते वो जगह वेली होई ना, एक बंदे की निगाह पै गई, उन्हें क्या वो सामने भी कपड़े में। बच्चे की हालत क्या थी उस वक्त? जो बच्चा थे ना, यानी कि मरा पड़ा था, उसके माथे फटा हुआ था, ते बिल्कुल खत्म हो चुके, जैसा 2-3 घंटे हो गए उसे मरे हुए मर पे। आप पहुंचे हैं तकरीबन 2:30-3 बजे दोपहर के बाद, ऐसे पहुंचे हैं हाँ जी। उस वक्त तक आपको यही लग रहा था कि 2-3 घंटे गुजर चुके हैं हाँ जी, हाँ जी। जो उसकी हालत थी, उस सफाक शख्स ने उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, उसने ज्यादती की, उसकी कोशिश की, क्या था उसका असल मकसद, क्या था कुछ पता चला, इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने? वे उसके यानी कि जो मुजरम है ना फीम, उसने पुलिस वाले को बताया है कि यानी कि इसके जड़े मामू सके, यानी कि वो मेरे वाकफ सिगे, मैं कहा भी ये इन्हें मामूआन दस दिता, इन्हें दस के वो कहे 200 रुपया कर लिया मेरा, मैं सगा नशा लेना, तो वो नशे के पीछे मैं उत और बच्चे उन्होंने मार के, तो मैं क्या पता ही नहीं लगूंगा इस तरह। मुलजिम इस वक्त मान नहीं रहा कि उसने कुछ किया है, उसको उसके वकील ने बताया या समझाया गया कि मानना नहीं है, जबकि वो पहले कन्फेस कर चुका है।
पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं इसके खिलाफ वो क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इकट्ठी कर ली गई हैं जो कि इसके खिलाफ जाती हैं? पुलिस ने जो इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए हैं उसमें ये था कि इसके DNA भेजा हुआ था, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। इससे जो है आला कत्ल बरामद हुआ, जो तार डाल के इसने गला दबा के, जो इसने कन्फेशन किया कि मैंने गला दबा के उसको मारा है, और इसे जो जिस बोरी में इसको डाल के लेके गए थे वो बोरी बरामद हो चुकी है, ये अपना कन्फेशन कर चुका है। और ये इसमें ये दूसरी दफ़ा इसको जो है ज़मानत पे रिहा कर दिया गया था। पहले जब इसे पकड़ा गया था तब इसने कन्फेशन नहीं किया था, क्योंकि ये आदि मुजरम है और बड़ा पक्का था ये, और ज़मानत पे इसको रिहा कर दिया गया। तो कुछ दिन महीने के बाद जो है ये दोबारा बदफेली करता है किसी बच्चे के साथ, वहाँ ही इलाके के बच्चे के साथ बदफेली करता है। वो अपने वर्सा को जाके बताते हैं और कंप्लेन जाती है थाने में। जब उसके ऊपर FIR दोबारा होती है, दोबारा इस मुलज़िम को अरेस्ट किया जाता है, तब ये कन्फेशन करता है इस कत्ल के बारे में। इसका DNA रिपोर्ट भी आ चुकी है अब तो, और इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट थी जो सारा था वो मुकम्मल तहकीकात अब जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये कन्फेशन ना भी करे तो पुलिस एविडेंस जो है वो अदालत में जमा करवा दी। क्या करते हो तुम? मिस्त्रियों का काम। कितने अरसे से कर रहे हो मिस्त्रियों का काम? 4-5 साल से। 4-5 साल हो गए। ये कहाँ रहता था बच्चा? ये पता नहीं जी किधर रहता था। पता ही नहीं है तुम्हें कि किधर रहता था? हाँ जी। सब कुछ बदल रहा है अपने बयान से, ये मुकम्मल बदल चुका है इसे। अब ये कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहता था, वो क्या करता है, मैंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। तो उसके बाप को तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं जी। फिर क्या था मसला? उधर मोहल्ले में उनके रिश्तेदारों से लड़ाई हुई थी, बस वो सुलह हो गई थी जी। क्या लड़ाई हुई थी बताओ मुझे पूरी बात। काम के पीछे जी, दिहाड़ी पे मुझे कहा उसने आ जाना सुबह सुबह, कह रहे नहीं मुझे बंदा नहीं चाहिए बस। तुम उसी मोहल्ले में रहते हो, वहीं काम करते हो जहाँ ये वाकया हुआ है? हाँ जी। हाँ हाँ जी। कहाँ से लाए थे उसे? दुकान से उठाया था उसे? नहीं सर, किसी से नहीं उठाया मैंने। फिर कहाँ से उठाया था? कहाँ से लिया था उसे? सर मैंने इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं सारे। हाँ सर मैं ले। घर में तुम्हारे कौन कौन होता है? बूढ़ी माँ है जी, वालिद जुमे वाले दिन फोत हो गया जी। वालिद फोत हो गया तुम्हारी हरकतों को देख देख कर? बाप के साथ क्या किया, माँ के साथ क्या किया तुमने? कोई आ रही है शर्म, कोई लिहाज आ रहा है? ये शख्स है जी जिसका बयान यही है कि इसने कुछ नहीं किया, जबकि तमाम एविडेंस तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, जिस तरह से अभी कानून साजी की जा रही है। मेरा ख्याल है ऐसे ही लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून साजी जल्द अज़ जल्द होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। क्या माइंडसेट है जो छोटे मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते, इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हमें जो है वो अपने बच्चों को, एक तो उनको एजुकेट करना इतना ज़रूरी है। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि इन अप्रोप्रिएट टचिंग क्या होती है, इन अप्रोप्रिएट बातें क्या होती हैं। हम स्कूलों में हम इन चीज़ों को छुपाते हैं, तो स्कूलों में तो उसकी एजुकेशन देनी चाहिए। जब तक आप स्कूलों में एजुकेट नहीं करेंगे बच्चों को, कैसे पता चलेगा? बच्चे तो ज़ाहिर है वो एक उसमें अपने ट्रांसफॉर्मेटिव एज में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव उसमें फेज़ में जा रहे होते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। ज़ाहिर है बाप भी प्यार करता है, अगर बाहर कोई उनको इस तरह करेगा तो उनको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंजर जो है वो स्ट्रेंजर टच करे या स्ट्रेंजर जो है वो बुलाए, तो ये बैड टच और गुड टच में क्या फ़र्क है। फिर हमारे माशरे में जो है वो हम इसको फौरी तौर पर स्टिग्माटाइज कर देते हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो या कोई बच्ची सामने आती है तो उसको ऐसे बुरे तरीके से फिर हम स्टिग्माटाइज करते हैं, और फिर वो एक पीयर प्रेशर और वो सारी चीज़ें, विक्टिम के कोई इंसेंटिव नहीं होता विक्टिम के पास पुलिस के पास जाने का या केस को परसू करने का, कोई इंसेंटिव नहीं है। तो बच्चों को एजुकेट करना इतना ही ज़रूरी है, और विक्टिम को हौसला देना बड़ा ज़रूरी है। सही, विक्टिम को तो हौसला देना चाहिए, जाहिर सी बात है। उसको तो एक में है तो उसको तो, और स्पेशली वो जो सामने आते हैं उनको तो एक हीरोज़ बना के पेश करना चाहिए कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने सामने आए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने दूसरे पता नहीं कितने घर बचा लिए। अगर वो बच्चा सामने ना आता और उसका वालद भी उसे कहता बच छोड़ो दफा करो, उसके अंदर से उसके घर जाना ही नहीं, बिल्कुल, जो कि एक हमारा एक स्टैंडर्ड रिस्पांस है, हमारा जो है वो डिफॉल्ट रिस्पांस है, कहते हैं भी हो तो हम भी यही करेंगे बच छोड़ो यार उधर जाओ ही ना। तो अगर वो सामने आया और वो तो उसको तो उसकी तो बहुत ज़्यादा फजीलत होनी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए ऑब्वियसली। अगर वो सामने ना आता तो शायद ये जो उस्मान बच्चा जिसको मर्डर किया गया और अटेम्प्ट की गई उसके साथ रेप करने की, उसके मुलजिम को शायद कभी भी गिरफ्तार ना किया जा सकता।